Hello friends, myself Vimal Bhutani, Director Biotech Sapiens. In this video, we will be going to discuss basically DNA replication previous year questions. ठीक है, so basically CSIR net के exam के अंदर replication से related जो questions हैं वो हम discuss करेंगे. So very important topic. So काफी frequently question जो है वो आपका replication पर पूछा जाता है. ठीक है, so we'll see questions one by one. So this is the first question we have. So this was asked in June 2012. So basically, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे? Double stranded DNA replicates in semi-conservative manner in an in vitro DNA synthesis. In vitro का मतलब जैसे हम test tube के अंदर DNA को synthesize कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें basically हमें क्या दिया हुआ है? Dideoxy-CTP and Dideoxy-CMP. ठीक है, so we have two sugars. डाइडियोक्सी सी टी पी एंड डाइडियोक्सी सी एम पी. ठीक है, सो बेसिकली देवर इंडिविजुअली एडेड इन एक्सेस इन सेपरेट रिएक्शन ट्यूब्स इन एडिशन टू डीएनटीपीज. ठीक है, डीएनटीपीज हमारे जो नॉर्मली डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स होते हैं, जिसमें आप डी ए टी पी एड करते हो, डी टी टी पी एड करते हो, डी सी टी पी एड करते हो, डी जी टी पी. ठीक है, ये तो नॉर्मली जो सबस्ट्रेट होते हैं डीएनए पॉलीमरेज के. ठीक है, बट इन एडिशन टू दैट दे हैव एडेड दिस डीडी सीटीपी एंड डीडी सीएमपी. ठीक है, सो रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस वाज मेजर्ड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ योर थायमिडिन. द फोर ग्राफ्स ड्रॉन बिलो रिप्रेजेंट द रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस इन टू सेपरेट रिएक्शन ट्यूब्स. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट द एक्सपेक्टेड डाटा. ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें बेसिकली करना क्या है कि वो कह रहा है कि जो हमने ये दो शुगर्स अलग से ऐड किए हैं डीडी सीटीपी एंड डीडी सीएमपी, तो इन शुगर्स का डीएनए सिंथेसिस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, देखो क्या होता है, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है उसका जो एक तरह से आप कह सकते हो कि उसका जो सबस्ट्रेट है उसका सबस्ट्रेट होता है ट्राइफॉस्फेट्स. ठीक है, मतलब दिस विल बी गोइंग टू एक्ट एज सबस्ट्रेट. ठीक है, बट जो सीएमपी है इसको वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट सबस्ट्रेट की तरह बेसिकली ये नहीं एक्ट करेगा डीएनए पॉलीमरेज के लिए. ठीक है, तो मतलब सिर्फ आपके डीडी सीटीपी नहीं जाके लगना है, तो डीडी सीटीपी क्योंकि ये डाइडियोक्सी शुगर है. ठीक है ना, क्योंकि इसमें थ्री प्राइम ओ एच ग्रुप होगा नहीं, तो वंस इट इज गोइंग टू गेट एडेड इन टू डीएनए तो वहां पर आपका डीएनए सिंथेसिस बेसिकली रुक जाएगा. ठीक है, तो सीएमपी का कोई इफेक्ट नहीं है, सो इसलिए हमें वो ऑप्शन देखने हैं जिसमें डीडी सीटीपी की प्रेजेंस में डीएनए का सिंथेसिस टाइम के साथ कम हो रहा है. ठीक है, और डीडी सीएमपी की प्रेजेंस में वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो डीडी सीएमपी के लिए ये सिंबल है. ठीक है, और सीटीपी के लिए ये सिंबल हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर सीएमपी, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑप्शन वन देखो तो डीडी सीएमपी की प्रेजेंस में डीएनए सिंथेसिस आपका चल रहा है, ये आपका सही है, और डीडी सीटीपी की प्रेजेंस में जो डीएनए सिंथेसिस है वो टाइम के साथ बेसिकली आपका डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, क्योंकि वंस डीडी सीटीपी is going to get added into your basically nucleotide chain that will lead to termination of DNA synthesis. ठीक है, so और DDCMP का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि DNA polymerase के लिए DDCTP आपका substrate है, ना कि आपका DDCMP. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका first. ठीक है, moving on to the next question. Basically this is also about replication. Replication में ये जो question है ये है आपका कि जो प्राइमर्स होते हैं, जैसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में प्राइमर्स होते हैं, उनको कौन रिमूव करता है और उनके जगह कौन नया डीएनए बनाता है. ठीक है, सो इन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टू पेरेंटल स्ट्रैंड्स अनबाइंड एंड आर यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स रिक्वायर दैट डीएनए सिंथेसिस प्रोसीड्स इन अपोजिट डायरेक्शन while the double helix is progressively unwinding and replicating in only one direction. ठीक है, as we know replication जो होती है वो आपकी 5 prime to 3 prime direction होती है. ठीक है, so DNA strands is continuously synthesized in the same direction as the advancing replication fork, that is known as leading strand, whereas the other strand is synthesized discontinuously in segments and is referred to as lagging strand. ठीक है, these short fragments made discontinuously they are labeled as Okazaki fragments. ठीक है, these Okazaki fragments need to be matured into
कॉन्टिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, देखो क्या होता है, जो आपका ओकाज़की फ्रेगमेंट्स होते हैं तो उसमें एक तो प्राइमर होता है, आरएनए प्राइमर, और उसके बाद आपका डीएनए होता है। ठीक है, तो इस आरएनए प्राइमर को हटाना जरूरी है और इसकी जगह नया डीएनए बनाना, ठीक है, और उसके बाद जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको ज्वाइन कराना है। ठीक है, सो ये बेसिकली आपके यहाँ पर प्राइमर को रिमूव करना और उसकी जगह जो डीएनए है वो बेसिकली कौन बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज वन। ठीक है, सो बेसिकली एज वी नो कि जो डीएनए पॉल वन होता है उसके पास एक एक्टिविटी होती है 5' टू 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी इट विल रिमूव योर बेसिकली आरएनए प्राइमर एंड विल सिंथेसाइज न्यू डीएनए एट दैट प्लेस, एंड बेसिकली आफ्टर दैट द फ्रेगमेंट्स विल बी गोइंग टू गेट ज्वाइन अप विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सेकंड। ठीक है, अब देखो ना, एक ही एग्जाम में दो क्वेश्चन, इट मींस दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक कैन गिव यू बेसिकली गुड मार्क्स। इफ यू हैव गुड कमांड ऑन दिस टॉपिक तो आप इजिली अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दैट इज बेसिकली ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, और बेसिकली ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इवेंट्स एट द रेप्लिकेशन फोर्क रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन एक्सेप्ट। ठीक है, तो रेप्लिकेशन में हमें पॉलीमरेज 3 चाहिए होता है, डीएनए गायरेज भी चाहिए होता है, डीएनए लाइगेज भी चाहिए होता है। ठीक है, सो दिस इज एंजाइम ग्लाइकोसाइलेज, इट इज नॉट रिक्वायर्ड बेसिकली एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, बेसिकली इसका जो रोल होता है दैट इज इन ए टाइप ऑफ डीएनए रिपेयर, इसका कहां पर रोल होता है आपका डीएनए रिपेयर में। ठीक है, सो इट इज इट डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड रोल और स्पेशलाइज्ड फंक्शन ड्यूरिंग बेसिकली योर डीएनए एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, तो बेसिकली इसमें इस क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा है कि क्योंकि जो मिजल्स एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, जो जिस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया कि जो रेप्लिकेशन का मोड है वो कैसा होता है आपका सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रखा है कि सेमी कंजर्वेटिव जो नेचर था डीएनए रेप्लिकेशन का दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय मिजल्सन एंड स्टाहल इन देयर क्लासिक एक्सपेरिमेंट विद बैक्टीरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल दे ग्रू बैक्टीरिया ऑन N15 व्हिच इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, अमोनियम क्लोराइड कंटेनिंग मीडियम, वॉश्ड एंड देन इंक्यूबेटेड इन फ्रेश मीडियम विद नाइट्रोजन 14 कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड अलाउड टू ग्रो फॉर 3 generations। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए एस्टैब्लिश द नेचर ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो हमें ये जो एक्सपेरिमेंट था सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट, इससे हमें ये पता लगा कि जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो बेसिकली ये जैसे हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि बेसिकली हमारे पास जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए आते हैं ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट, सो दिस इज N14, दिस इज लाइट डीएनए, क्योंकि N14 जो है वो सबसे लाइट होता है, N14 N15 इज बेसिकली हाइब्रिड डीएनए, और N15 जो है वो आपका हैवी डीएनए है। ठीक है, तो ये जो हम ग्रेडियंट बनाते हैं तो जो सा डीएनए सबसे हैवी होता है वो सबसे नीचे सेटल डाउन करता है और जो सबसे लाइट होता है वो सबसे ऊपर। ठीक है, सो हैड द रेप्लिकेशन बीन कंजर्वेटिव, ठीक है, अब उसने थोड़ा सा ट्विस्ट आपको दे दिया क्योंकि दैट इज फॉर श्योर रेप्लिकेशन इज बेसिकली इट इज बेसिकली योर सेमी कंजर्वेटिव, बट उसने हमें क्या ट्विस्ट दे दिया कि अगर कंजर्वेटिव है तो क्या पैटर्न होगा। ठीक है, देखो कंजर्वेटिव होने का मतलब सीधी सी बात है, जैसे अगर आपके पास स्टार्टिंग में N15 वाले हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो नए सारे डीएनए बनेंगे वो सारे 14 14 वाले बनेंगे। ठीक है, कंजर्वेटिव मीन्स दैट देर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, हाइब्रिड आपका नहीं बनेगा क्योंकि कंजर्व का मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल डीएनए था बेसिकली दैट इज कंजर्व। ठीक है, बट दैट इज समथिंग दे हैव कंसिडर्ड बेसिकली दिस द पर्टिकुलर सिचुएशन इज गिवन टू यू, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव होती है, इट इज सेमी कंजर्वेटिव, सो हाइब्रिड विल नॉट फॉर्म, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। ठीक है, और बेसिकली इसमें तो सिर्फ उसने लाइट ही बनाया तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये डॉटेड शो कर रहा है कि जितना भी हाइब्रिड डीएनए था स्टार्टिंग में बस वो होगा और सारा का सारा जो नया है वो लाइट बनेगा। ठीक है, सो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी दिस ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन में भी हाइब्रिड दिखा रखा है, तो हाइब्रिड वाला तो वैसे ही आउट हो गया,
और बेसिकली क्या है, क्योंकि कंजर्व रहना चाहिए, तो जो इनिशियली जो भी आपने अमाउंट यूज करी है N15 N15 की, वो रहनी चाहिए, और नए सारे डीएनए जो है वो आपके N14 N14 बनने चाहिए। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन यूजली कंटेन्स, ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल। ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन बेसिकली जो होता है वो 80 रिच सिक्वेंसेस, उसमें 80 सिक्वेंसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हम ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन पढ़ते हैं, और आईसी बैक्टीरियल एप्लीकेशन की बात करें तो थ्योरी में हम ये चीज पढ़ते हैं कि ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन जो होता है दैट इज रिच इन 80 रिच सिक्वेंसेस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, बेसिकली दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसमें उसने आपको बेसिकली जो क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, एक सेल फ्री एक्सट्रैक्ट है। नाउ सेल फ्री एक्सट्रैक्ट मीन्स दैट देर इज नो सेल। ठीक है, बेसिकली वी आर डूइंग समथिंग आउटसाइड सेल। सो इसमें मेरे पास, उसने क्वेश्चन में डीएनए पॉलीमरेज वन है, मैग्नीशियम है, डीएटीपी है, डीजीटीपी है, डीसीटीपी है, डीडीटीपी है, एंड द फॉलोइंग डीएनए मॉलिक्यूल्स वर एडिड। ठीक है, तो उसने आपको कुछ डीएनए के मॉलिक्यूल्स दिए हैं। पहला डीएनए मॉलिक्यूल उसने आपको दिया है सिंगल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर, दिस इज वन डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें 824 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। दूसरा डीएनए जो उसने आपको दिया है कि वो भी सिंगल स्टैंडर्ड क्लोज सर्कुलर है, इसमें 1578 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एंड इट इज पेयर्ड विद ए लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ 824 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और इसके दोनों एंड्स के ऊपर 3' OH ग्रुप है। ठीक है, एक हमें ये दिया है। ठीक है, थर्ड जो डीएनए है दैट इज बेसिकली डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग 1578 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, मतलब ऐसे सा दिया है, और जिसमें यहाँ पर भी OH ग्रुप है, यहाँ पर भी OH ग्रुप है। ठीक है, और फोर्थ हमें क्या दिया है, डबल स्टैंडर्ड क्लोज्ड सर्कुलर मॉलिक्यूल हैविंग 824 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, द रेट ऑफ डीएनए सिंथेसिस वॉज मेजर्ड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ दैट इज ट्रीशियम, जो मतलब आपके रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है थायमिडिन, क्योंकि उसने सिर्फ डीटीटीपी को ही क्या करा है, रेडियो एक्टिव करा है। ठीक है, इन इन द डीएनए मॉलिक्यूल एंड एक्सप्रेस्ड एज डीएनए सिंथेसिस रिलेटिव टू टोटल डीएनए इनपुट। ठीक है, देखो अब इसमें ना जो कंसेप्ट क्या है, बेसिकली जब भी हम रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है ना, देखो उसकी दो रिक्वायरमेंट है, एक तो उसे टेम्पलेट चाहिए और दूसरा उसे क्या चाहिए होता है, आपका 3' OH ग्रुप। ठीक है ना, ये दो रिक्वायरमेंट होती हैं। फर्स्ट इट नीड्स अ टेम्पलेट, बेसिकली जिसको देख के वो डीएनए बनाएगा, और दूसरा उसे क्या चाहिए होता है, 3' OH ग्रुप, 3' OH ग्रुप। ठीक है, ये दो रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, हमें क्वेश्चन में जो जो चीजें गिवन है हमें उस हिसाब से आंसर करना है, क्योंकि अदरवाइज तो अगर आपने रेप्लिकेशन पढ़ी है तो आप देखते हो रेप्लिकेशन में हेलिकेज ही होता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन ही होते हैं, अलग अलग टाइप के रेप्लिकेशन प्रोटीन ही होते हैं, बट दोस थिंग्स वी डू नॉट हैव हियर। ठीक है, हमें सिर्फ हमारे पास पॉलीमरेज है, चार न्यूक्लियोटाइड और मैग्नीशियम है। ठीक है, सो देखो अब ये जो डीएनए है इसकी रेप्लिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि कोई बेसिकली इसमें प्राइमरी नहीं है, या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो 3' OH ग्रुप प्रोवाइड करे। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू दिस सेकेंड डीएनए, जैसे इसमें सिंगल स्टैंडर्ड है और उसके साथ एक लीनियर डीएनए भी लगा हुआ है जिसके दोनों एंड्स पे 3' OH ग्रुप है। ठीक है, सो बेसिकली OH भी है, सामने टेम्पलेट भी है, सो दिस टाइप ऑफ डीएनए कैन बी रेप्लिकेटेड बाय डीएनए पॉलीमरेज वन। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ पर OH तो है बट सामने टेम्पलेट ही नहीं है, इधर OH है तो सामने टेम्पलेट नहीं है। ठीक है, तो वैसे सभी टाइप के डीएनए की रेप्लिकेशन हो सकती है, बट क्वेश्चन देखो मेरे पास क्या है, जो मुझे क्वेश्चन के अंदर थिंग्स गिवन है, लाइक व्हाट आर द बेसिकली लाइक पॉलीमरेज वन न्यूक्लियोटाइड्स, आई नीड टू आंसर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये डबल स्टैंडर्ड है तो इसकी नहीं हो सकती। नॉर्मली तो वही होता है ना कि रेप्लिकेशन फोर्क बनती है, प्राइमर्स लगते हैं तब रेप्लिकेशन होती है, बट हमें क्वेश्चन का आंसर जो है वो जो भी हमें क्वेश्चन की सिचुएशन है उसके हिसाब से देना है। ठीक है, तो थर्ड वाले डीएनए की भी रेप्लिकेशन नहीं होगी और सेम वे फोर्थ वाले की भी नहीं होगी। ठीक है, अब बेसिकली मूविंग ऑन टू द ग्राफ्स, बेसिकली जो भी हम ग्राफ देखेंगे तो बस आप जैसे आपको चार डीएनए दे रखे हैं तो सिर्फ जो सेकंड वाला है
सिर्फ इसका मतलब डीएनए इसमें सिंथेसाइज होगा, रेस्ट ऑफ द जो डीएनए है उसमें कोई सिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम जैसे ऑप्शंस में देखें तो ये हमें बता रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ऑब्वियसली जो हमें यहाँ पर बी है, बी हमें किस फॉर्म में दे रखा है, अगर आप बी को देखो तो ट्रायंगल, तो देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें ट्रायंगल वाला जो है वो डीएनए बन रहा है, बाकी तीनों नहीं बन रहे, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका, थर्ड, ठीक है। करेक्ट आंसर इज थर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन इज एक्टिवेटेड ओनली वंस, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है एक ही बार ही एप्लीकेशन होती है, उसके इस बाद सेल जो होता है वो टू सेल्स में डिवाइड हो जाता है। सो ईच ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन इज एक्टिवेटेड ओनली वंस, दिस इज अचीव्ड बिकॉज, क्योंकि जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स होता है वो सिर्फ जीवन में बनता है, और रेप्लिकेशन बिगिन होने से पहले प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स जो हो जाता है वो आपका डिसअसेंबल हो जाता है, ठीक है। तो यही वाला इसका आंसर करेक्ट है कि जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स जैसे उसमें हेलिकेज होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हेलिकेज की लोडिंग कब होती है, तो हेलिकेज की जो लोडिंग होती है वो आपकी जीवन में होती है, ठीक है। हेलिकेज की लोडिंग कब होती है आपकी जीवन में, ठीक है। तो ये जो हेलिकेज है ये, या और जितने भी बेसिकली प्रोटीन्स हैं जो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स में होते हैं, तो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स जीवन में बनता है, और रेप्लिकेशन तभी स्टार्ट होती है जब प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स आपका डिसअसेंबल हो जाता है एट द बिगनिंग ऑफ एस फेज, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन आरएनए प्राइमर इज डिग्रेडेड बाय 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ, ठीक है, कि किसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से आपके आरएनए प्राइमर रिमूव होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में आपने देखा डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, तो यहां पर होता है FEN1, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, ठीक है। दिस इज समथिंग स्पेशल क्योंकि नाम में तो इसके एंडोन्यूक्लियस है, बट अलोंग विद एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी इट ऑल्सो हैव 5' to 3' बेसिकली एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है। तो फ्लैप एंडोन्यूक्लियस के पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी क्या होती है आपकी, प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दीज आर फ्यू बेसिकली स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। पहली स्टेटमेंट हमें क्या दी हुई है, द जीनोम ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स कंटेन मैनी पोटेंशियल ऑरिजन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। बार बार ये बात बताई जाती है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल ऑरिजन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल ऑरिजन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट व्हेन एम्ब्रियोज आर अंडरगोइंग रैपिड सेल डिविजन ऑरिजन साइट्स आर यूनिफॉर्मली एक्टिवेटेड, ठीक है, क्योंकि बेसिकली एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होते हैं वो जल्दी डिवाइड करते हैं, तो जितनी भी ओरिजिन साइट्स हैं वो यूनिफॉर्मली एक्टिवेट होती हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी सही है। पल्स चेज टेक्निक, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक जिससे आप यू कैन लेबल साइट्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। एंड द रेट ऑफ एलोंगेशन ऑफ डिफरेंट डीएनए चेन्स ड्यूरिंग जीनोम रेप्लिकेशन वेरीज ड्रास्टिकली, ठीक है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि पॉलीमरेज तो वही है ना, तो अलग अलग चेन्स जो हैं तो वो ऑलमोस्ट सेम ही रेट से उनकी रेप्लिकेशन होती है। तो ये कहना कि एक डीएनए चेन बहुत फास्ट बन रही है, एक बहुत स्लो बन रही है, क्योंकि ड्रास्टिकली का तो यही मतलब है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो दी स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे उसने आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, तो ए बी एंड सी मेरे करेक्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपिंग एरर्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन आर करेक्टेड बाय प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज़ दैट रिकॉग्नाइजेस इनकरेक्ट बेसिस, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हमें पता है कि वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होती है। जैसे ये मान लो मेरा डीएनए है और मान लो यहाँ पर ए है, ठीक है, तो ए के सामने आना तो क्या चाहिए था, टी, बट बाय मिस्टेक मान लो आ गया सी, ठीक है। तो जो बेसिकली आपकी 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो 5' to 3' डायरेक्शन में चल रही है, सो दिस एक्टिविटी बेसिकली इट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, और बेसिकली एट द 3' एंड ऑफ ग्रोइंग चेन, ठीक है, 3' एंड पे एक्ट करती है, एंड इट बेसिकली वर्क्स इन अपोजिट डायरेक्शन
डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या बोलते हैं इसे हम, आपकी एक्सोन्यूक्लीज एक्टिविटी, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो ऐसे अगला क्वेश्चन देखें, दिस इज रिलेटेड टू द पॉलीमरेजेस ऑफ यूकेरियोट्स, ठीक है ना। कि जैसे हमें पता है कि यूकेरियोट्स में अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, डेल्टा होता है, एप्सिलन होता है, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलन, ठीक है। जो अल्फा होता है, हमें इस अगर आपने इसके बारे में पढ़ा तो अल्फा के पास प्राइमेज एक्टिविटी होती है, ठीक है। और डेल्टा जो होता है वो मेन रेप्लिकेशन एंजाइम होता है यूकेरियोट्स में, ठीक है। सो यूकेरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज अल्फा हैज टाइटली एसोसिएटेड प्राइमेज एक्टिविटी बट मॉडरेट प्रोसेसिविटी। डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलन एंड डेल्टा आर हाईली प्रोसेसिव बट लैक प्राइमेज एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं रिलेटेड टू लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स इन दिस इज इन यूकेरियोट्स, तो उसमें से कौन सी ट्रू है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड को पॉलीमरेज अल्फा बनाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो मेनली जो लीडिंग स्ट्रैंड है चाहे लैगिंग स्ट्रैंड है वो आपका डेल्टा ही बनाता है, ठीक है। एंटायर लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज बाय एप्सिलन एंड डेल्टा, यूकेरियोटिक रेप्लिकेशन इज प्राइमर इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ये भी गलत है, क्योंकि प्राइमर नहीं तो 3 प्राइम OH ग्रुप देना है। जब तक पॉलीमरेज को 3 प्राइम OH ग्रुप नहीं मिलेगा तब तक वो रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, ठीक है। ओनली द लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस नीड्स प्राइमर, ऐसा नहीं है। बेसिकली प्राइमर, हाँ नो डाउट लैगिंग स्ट्रैंड पे हमें ज्यादा प्राइमर चाहिए होते हैं, लीडिंग पे हमें जैसे स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही प्राइमर चाहिए होता है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैगिंग स्टैंड जो होता है वहां पर हमें प्राइमर चाहिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही ऑप्शन बची, दैट इज फोर्थ, कि प्राइमर्स फॉर बोथ द स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज अल्फा फॉलोड बाय पॉलीमरेज स्विचिंग विद एप्सिलन एंड डेल्टा, ठीक है। तो प्राइमर जो होते हैं वो दोनों स्टैंड्स के लिए अल्फा ही बनाता है और उसके बाद पॉलीमरेज स्विचिंग हो जाती है विद एप्सिलन एंड डेल्टा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट टेक्स 40 मिनट्स फॉर ए टिपिकल ई कोलाई सेल टू रैप कंप्लीटली रेप्लिकेट क्रोमोजोम, ठीक है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है कि 40 मिनट्स तो रेप्लिकेशन में लगते हैं लेकिन फिर भी बैक्टीरिया 20 मिनट में कैसे डिवाइड कर जाता है, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली तो ऑन गोइंग रेप्लिकेशन 20 मिनट्स ऑफ ए फ्रेश राउंड ऑफ रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड बिफोर द सेल डिवाइड, ठीक है। तो जनरेशन टाइम उसने पूछा हमसे, तो जनरेशन टाइम बैक्टीरिया कितना होता है आपका, 20 मिनट्स, ठीक है। ये अभी और भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। देखो क्या होता है ना, ये आपका बैक्टीरिया का क्रोमोजोम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेप्लिकेशन है वो कैसी चल रही है, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल में 40 मिनट्स लगते हैं, तो देखो क्या होता है ना, 20 मिनट्स में आप बेसिक बस ये याद रखना, वो तभी डिवाइड कर सकता है जब आधा क्रोमोजोम पहले से ही रेप्लिकेट हो रखा हो, ठीक है ना। अगर आधा पहले हो रखा है तो 20 मिनट्स में वो पूरा रेप्लिकेट हो जाएगा और उसके बाद बेसिकली जो दोनों कॉपी होंगी डीएनए की, एक कॉपी एक सेल में चली जाएगी, दूसरी दूसरे सेल में चली जाएगी, ठीक है। तो ये रहता है, अभी हम पढ़ेंगे भी सही, एक क्वेश्चन आएगा आगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन बिगिंस बिफोर द फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। कि मतलब एक राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट होने से पहले ही सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जिस टाइम पे सेल डिवाइड करता है तो उस टाइम दो कॉपीज अवेलेबल होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 20 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है, इसमें देखो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है बस, कि जो मिजल्स एंड स्टाहल ने करा था, पहले N15 N15 पे ग्रो कराया, उसके बाद N14 पे ग्रो कराया, ठीक है। तो उन्होंने फिर उसको 2-3 जनरेशन के लिए जो भी आपका स्टडी किया, ठीक है। तो इसमें बस यही बताया गया है कि क्या कंक्लूजन थी, तो ये हमें पता ही है कि कंक्लूजन क्या थी आपकी, कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैसी होती है आपकी, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। दिस इज अ होल एक्सपेरिमेंट दे हैव रिटन एंड एज वी नो दिस एक्सपेरिमेंट वॉज डन टू प्रूव दैट रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपका है सेकेंड। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल दो RNTP are present at approximately tenfold higher concentration than DNTP, मतलब RNTP जो होते हैं वो DNTP से 10 टाइम ज्यादा होते हैं, बट दे आर इनकॉर्पोरेटिंग टू डीएनए एट ए रेट दैट इज मोर देन 1000 फोल्ड लोअर देन DNTP, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली डीएनए में तो DNTP होंगे
लेकिन आरएनटीपी नहीं ऐड होते, मतलब वो कह रहे हैं आरएनटीपी होते ज्यादा हैं, बट बेसिकली जो डीएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ टीएनटीपी को ही क्यों ऐड करता है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट लिखी है डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो डीएनटीपी और आरएनटीपी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये गलत है क्योंकि उसको पता है ना डीएनए बनाना है तो ऑब्वियसली उसको डीएनटीपी से ऐड करने हैं। दूसरी स्टेटमेंट भी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें भी उसने वही लिखा हुआ है कि दोनों को ही डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, डीएनए पॉलीमरेज एफिशिएंटली डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन आरएनटीपी एंड डीएनटीपी, क्योंकि आरएनटीपी के अंदर जो एक्स्ट्रा 2' OH ग्रुप होता है, ठीक है, वो आपका जो भी बेसिकली जो डीएनए पॉलीमरेज में पॉकेट है कि जहां पर भी जाके उसे लगना है, तो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा 2' OH ग्रुप इट विल नॉट बी एबल टू बाइंड इन टू द पॉकेट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, जो भी आपका डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन वही लिखा है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ठीक है ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर पाएगा फिर तो वो आपका आरएनटीपी को भी लगा देगा। ठीक है, लेकिन डीएनए के अंदर हमें आरएनटीपी नहीं, हमें सिर्फ डीएनटीपी ऐड करने हैं। ठीक है, सो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकेरियोटिक रेप्लिकेशन में प्राइमिंग कौन करता है और आरएनए प्राइमर्स को रिमूव कौन करता है? ठीक है, ये भी हमने पढ़ा, प्राइमर अल्फा बनाता है, ठीक है, और FEN1 जो होता है वो प्राइमर्स को रिमूव करता है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड, इन द फर्स्ट वन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स वर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए रेप्लिकेटिंग सेल ऑफ ईकोलाई ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ 32 फॉस्फोरस, कि सबसे पहले हमने ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बनाए, दूसरे इन द अदर द टू स्टैंड्स ऑफ ईकोलाई क्रोमोसोम वर सेपरेटेड इनटू एच एंड एल स्टैंड इमोबिलाइज्ड ऑन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन एंड हाइब्रिडाइज्ड विद द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स प्रिपेयर्ड इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये ना कि तो उसने पूछा क्या इसमें से करेक्ट होगा। ठीक है ना, देखो जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू बोथ एच एंड एल स्टैंड। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो दोनों के साथ ही हाइब्रिडाइज करेगा। ठीक है ना, जैसे एक स्टेटमेंट में उसने लिखा इट विल हाइब्रिडाइज टू ओनली एच स्टैंड, दिस इज इनकरेक्ट। इट विल हाइब्रिडाइज टू ओनली टू एल स्टैंड, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स विल हाइब्रिडाइज विद बोथ एच एंड एल स्टैंड। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इसमें आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस करा कि बेसिकली जो रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम में तो 20-40 मिनट्स लगते हैं, बट बैक्टीरिया 20 मिनट्स में कैसे डिवाइड कर जाता है? तो इसका रीजन यही है, ए सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन बिगिंस बिफोर द फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन एंड बाय द टाइम सेल इज रेडी टू डिवाइड टू कॉपीज ऑफ जीनोम आर अवेलेबल। ठीक है, क्योंकि बाकी आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो उसमें लिखा है कि बैक्टीरिया वाइल बैक्टीरिया डिवाइड्स एवरी 20 मिनट इक्वल ट्रांस ऑफ जेनेटिक मटीरियल अकर्स ओनली इन ऑल्टरनेट राउंड। ऐसा नहीं है, ये नहीं कि एक राउंड के बाद, क्योंकि 40 मिनट्स का मतलब ये है ना कि दो राउंड के बाद बेसिकली आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है, जीनोम रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, ये भी गलत है। ठीक है, और एक में तो वो क्या कह रहा है कि सिर्फ एक स्टैंड जो होता है जीनोम का वही 20 मिनट्स में होता है, ऐसा नहीं है। एज वी नो, चाहे वो लीडिंग स्टैंड है चाहे लैगिंग स्टैंड है, उनपे जो डीएनए है वो बिल्कुल आपका पैरेलली चलता है दोनों स्टैंड्स के ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव इन ऑल ऑर्गेनिजम्स इट इज क्रिटिकल दैट रेप्लिकेशन इनिशिएशन इज टाइटली कोऑर्डिनेटेड टू एंश्योर दैट क्रोमोसोम नंबर एंड सेल नंबर रिमेन अप्रोप्रिएटली बैलेंस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स बता रखी हैं रिलेटेड टू द रेगुलेशन ऑफ रेप्लिकेशन इन ईकोलाई। पहली स्टेटमेंट है कि हेमीमिथाइलेशन एंड सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ ओआरआईसी बाय प्रोटीन प्रिवेंट्स इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये जो SCQ होता है ये इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन को रोकता है। ठीक है, सेकेंड अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनए ए। ठीक है ना, अगर आपने रेप्लिकेशन पढ़ी तो सबसे पहले डीएनए ए ही आता है, दैट इज AAA+ ATPase। ये एक फैमिली होती है, AAA का क्या मतलब है, ATPases एसोसिएटेड विद डाइवर्स सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, तो डीएनए ए जो होता है ये एक फैमिली का पार्ट होता है और डीएनए ही सबसे पहले आता है, क्योंकि अगर डीएनए ए के अंदर प्रॉब्लम है तो आपकी रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो पहली दोनों स्टेटमेंट तो सही है, वैसे भी उसने हमसे पूछा कौन सी गलत है, तो
ऑटोमेटिकली आपका इसमें COD बनेगा। तो C में लिखा है कि ADP और ATP के रेशियो जरूरी है, हाई लेवल ऑफ ADP, ठीक है, ऐसा नहीं है, हमें हाई लेवल ऑफ ATP चाहिए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जो DNA A होता है, DNA C होता है, इन सबको ATP चाहिए, ठीक है। डी जो है रिक्रूटमेंट ऑफ HTA प्रोटीन बाय स्लाइडिंग क्लैंप इनहिबिट्स ATP हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो ये भी गलत है, इनहिबिट नहीं, वो ATP हाइड्रोलिसिस को प्रमोट करता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो इसमें आपका COD जो है वो आपका नॉट ट्रू है, द राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बेसिकली सिंपल सा कंसेप्ट है, जो मैंने आपको डीएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट्स बताई हैं कि उसे टेम्पलेट चाहिए और उसे आपका 3' OH ग्रुप चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि इन ई कोलाई दो डीएनए पॉलीमरेज वन प्लेज एन एसेंशियल रोल इन रेप्लिकेशन प्रोसेस, इट इज नॉट द मेजर पॉलीमरेज, इंस्टेड द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रेप्लिकेशन फोर इज POL3 फ्रॉम द फोर डीएनए स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो, स्टूडेंट्स मेड सेवरल इंटरप्रिटेशंस अबाउट द शॉर्टर आर्म बीइंग एक्सटेंडेड बाय POL1 और POL3, ठीक है। अब जैसे इसमें ए देखो, अब यहाँ पर ये शॉर्टर आर्म है, ठीक है ना, सामने टेम्पलेट तो है बट यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, क्योंकि 3' OH ग्रुप तो चाहिए चाहिए पॉलीमरेज को, ठीक है, तो ये एक्सटेंड नहीं होगा। सेकंड वाले का आप देखो, यहाँ पर चलो सामने टेम्पलेट है बट ये 5' OH है, तो ये भी एक्सटेंड नहीं होगा, ठीक है। अगर आप सी को देखो तो इसमें जैसे 3' OH तो है बट सामने टेम्पलेट ही नहीं है, तो ये भी एक्सटेंड, मतलब POL1 है, POL2 है, POL3 है, कोई भी है, सबको टेम्पलेट और 3' OH ग्रुप तो चाहिए चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो डी वाला है, इसमें ऑब्वियसली आप देख रहे हो ये 3' OH है और सामने टेम्पलेट है, हाँ, तो इसको POL1 और POL3 जो है वो एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो ए बी सी तीनों में से POL1 POL3 किसी को भी एक्सटेंड करने वाला नहीं है, ठीक है, और बेसिकली जो फोर्थ वाला है उसको जरूर POL1 और POL3 एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट्स देखते हैं जो हमें गिवन है, ठीक है। सो ए विल बी एक्सटेंडेड बाय POL3 नॉट बाय POL1, दोनों नहीं, दोनों में से कोई भी ए को तो एक्सटेंड करने वाला नहीं है, नाइदर बी नोर सी विल बी एक्सटेंडेड बाय आइदर POL1 और POL3, ठीक है, ये करेक्ट है, क्योंकि आपने अभी देखा ना ए बी और सी तीनों में से किसी को भी POL1 और POL3 एक्सटेंड नहीं कर सकता, सिर्फ डी को बेसिकली POL1 और POL3 कर सकता है, ठीक है। फिर उसने लिख दिया सी विल बी एक्सटेंडेड बाय बोथ, ये भी गलत है, डी विल बी एक्सटेंडेड ओनली बाय POL1, नहीं, डी को आपका POL1 भी एक्सटेंड कर सकता है और POL3 भी एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो गया आपका, सेकंड, ठीक है। सो विद दिस बेसिकली वी वाइंड अप विद दिस वीडियो, आई होप यू विल लाइक ऑल, यू विल लाइक दिस वीडियो। इसके अंदर हमने अभी 2017 तक के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आगे के क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ किसी भी क्वेश्चन में कुछ इश्यू आता है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज विमल सर स्पैटेक सेपियंस, ठीक है। तो इसमें हम जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जो भी जैसे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो नेट के हैं या और डिफरेंट एग्जाम्स के हैं, वो हम शेयर किया करेंगे आपके साथ, ठीक है। और कोई भी टॉपिक इफ यू वांट कि हाँ हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या इन क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो चाहिए, सो दे दोस काइंड ऑफ टॉपिक्स और क्वेश्चंस यू कैन शेयर विद अस, एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू शेयर बेसिकली सोल्यूशन ऑफ दोस क्वेश्चंस विद यू, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।